तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के रसायन शास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के आपके रसायन शास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का रसायन शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11 का आपका रसायन शास्त्र का पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के आपके रसायन शास्त्र के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको किस प्रकार से चुनने हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर का। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीआई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 18। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जल में अम्लीय विलयन देता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा NH4Cl। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसका आकार सबसे बड़ा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा, AI, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में CCl4 में सी की ऑक्सीकरण संख्या। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए, तो पाँचवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए नंबर का आ जाएगा, +4। उसके बाद में अगला क्वेश्चन को देखते हैं, छठे नंबर को, एक प्रक्रम में विरुद्धवत प्रवृत्ति का होने के लिए। तो देखो छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, ये वाला, यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में सातवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, A3 में कार्बन के संकरण हैं। तो देखो सातवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा SP2। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा देख लो। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग प्रश्न नंबर 2 में जो आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, CH3 की ज्यामिति होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा समतल त्रिभुजाकार होती है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है, समतल और उसके बाद में लिखना यहाँ पर आपको त्रिभुजाकार। तो यहाँ से लिख ले, समतल त्रिभुजाकार होती है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्रव्य के संरक्षण का नियम ने दिया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, द्रव्य के संरक्षण का नियम किसने दिया था, लेवोजिए ने दिया था। तो यहाँ से आप सब लोग लिख लो, लेवो और उसके बाद में जीए ने द्रव्य के संरक्षण का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव सदैव अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आक्रमणकारी यहाँ पर आपको लिख लेना है, किसकी उपस्थिति में होता है। तो देखो यहाँ से आपको लिख लेना है, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दहन ऊष्मा का मान सदैव होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऋणात्मक, दहन ऊष्मा सदैव ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, SS अतिव्यापन से बंध बनता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सिग्मा, इससे सिग्मा बंध बनता है। अगला क्वेश्चन, BE की आयनन ऊर्जा B की तुलना में होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको लिखना अधिक होती है। तो यहाँ से आप लोग अधिक लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, मार्स गैस का प्रमुख घटक है। देखो सातवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, CH4। तो यहाँ से आप सब लोग लिख लें, इसका राइट आंसर क्या होगा, CH4 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से जोड़ी को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको जी से कर लेना है। उसके बाद में दूसरे नंबर का जो जोड़ी मिलान आपको दिया गया, तो देखो इसका जोड़ी का मिलान आपको डी से कर लेना है। उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो जोड़ी मिलान आपको दिया गया, इसके जोड़ के मिलान आप लोग ई से कर लो। उसके बाद में शून्य समूह की विद्युत ऋणात्मकता। देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसके जोड़ के मिलान आप लोग एफ से कर लें। आयनिक बंध पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसके जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा ए से। उसके बाद में देखो छठे नंबर को देखो, तो देखो छठे की जोड़ के मिलान आपको कर लेना सी से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सातवां, मस्टर्ड गैस। तो देखो सातवें की जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा बी से।
तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, CnH2n सामान्य सूत्र के यौगिक सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको कहते हैं, यहाँ से आपको लिख लेना एल्कीन। इनको क्या कहा जाता है? एल्कीन कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग लिख ले एल्कीन, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्रियात्मक समूह के दो उदाहरण लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्रियात्मक समूह के दो उदाहरण क्या होंगे, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। एक तो होगा आपका OH और उसके बाद में दूसरा होगा CHO। तो यहाँ से आप लोग लिख ले CHO, ठीक है ना। अब ये जो OH लिखा है ये एल्कोहलिक है और उसके बाद में CHO जो लिखा है एल्डिहाइड्रिक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, किसी तंत्र की अनियमितता का मापन क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, उसका राइट आंसर आ जाएगा एंट्रोपी। यहाँ से लिख ले आप सब लोग एंट्रोपी, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बंध अधिशात्मक प्रकृति का होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत संयोजक बंध इस प्रकृति का होता है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देख ले आप सब लोग विद्युत, उसके बाद में आगे आपको लिखना संयोजक, इस प्रकार से आप लोग लिख ले विद्युत संयोजक, उसके बाद में आपको लिखना बंध इस प्रकार का होता है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, N2 अणु में बंध क्रम लिखिए। तो देखो पाँच नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रत्येक प्रकार के परमाणु का सर्वाधिक रचना क्या होगा। तो देखो आपका जो छठे नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, इलेक्ट्रॉन इसमें आपको लिख लेना है। यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से लिख लें यहाँ से आपको लिखना है इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप सब लोग इसको लिख लें। सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, सबसे अधिक आसानी से अपचयित होने वाले हेलोजन का नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे आसानी से अपचयित होने वाले उसका नाम क्या है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा, उसका नाम है फ्लोरीन। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, फ्लोरीन, इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब उसके बाद में देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिएगा, 5 के बाद में आगे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 को देख लें, 6 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 लिखा है, 7 के बाद में देखो ये प्रश्न नंबर 8 दिया गया, प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है। उसके बाद में देखो आगे के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, 11 ये लिखा है और 11 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है। तो प्रश्न नंबर 12 को भी आप लोग देख लो अच्छे से। प्रश्न नंबर 13 ये लिखा गया है, 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, 15 ये लिखा है, 16 ये दिया गया आपको। तो आप सब लोग इसको इस प्रकार से देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है, 18 ये दिया गया है, 18 के बाद में देखिएगा 19वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। देखिएगा इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।